हाय दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों? आज हम कठुआ से वापिस पठानकोट तक का सफर करने जा रहे हैं और हम लखनपुर को फिर से पास करेंगे। देखते हैं कि जब हम वापिस जाते हैं कठुआ से पठानकोट तो क्या लखनपुर में फिर से हमारी चेकिंग होती है। अभी हमें भी नहीं पता, अभी सफर की शुरुआत हुई है, चलो देखते हैं। अब हम विलेज रोड को क्रॉस कर चुके हैं और नेशनल हाईवे 1 में एंटर कर चुके हैं जो कि सीधा जा रहा है लखनपुर की ओर। चलो चलते हैं लखनपुर की ओर। हम राजबाग पहुंच चुके हैं। ये राजबाग बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से एक अलग से जसरोटा के लिए रास्ता कटता है जो कि अब सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा किला भी था और राजा की फैमिली भी रहती थी जो कि वहाँ से माइग्रेट हो चुकी है। अब वहाँ पर उनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया जहाँ पर वो हर साल पूजा करने के लिए आते हैं और साथ में एक काली माता का मंदिर भी है जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। अगर आप कभी राजबाग की ओर हैं, आप मंदिर जरूर जाएं। अब हम कालीबाड़ी को क्रॉस करके लखनपुर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों लखनपुर के भल्ले बहुत ही मशहूर हैं। अगर आप कभी लखनपुर को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर लखनपुर के भल्ले जरूर खाएं। हम लखनपुर पहुंच चुके हैं, ये मेन बाजार है। यहाँ पे आपको हर तरफ दुकानें दिखाई देंगी और वहां पर आपको लखनपुर के भल्ले ही बेचते हुए दिखाई देंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। हम स्पेशल आते हैं यहाँ पे लखनपुर के भल्ले खाने के लिए। अब हम लखनपुर टोल बैरियर पे पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी टाइट है और कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोविड चेकिंग। बस ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ पर्ची पे करनी है जो कि 85 रुपीस की है लाइट मोटरसाइकिल की, और हमने पे की और हम चल दिए पठानकोट की ओर।
और अब लखनपुर क्रॉस हो चुके हैं और हम माधोपुर सुजानपुर को क्रॉस करते हुए पठानकोट की ओर जा रहे हैं। अब हम पठानकोट पहुंच चुके हैं। हम पठानकोट बाईपास से जा रहे हैं। पठानकोट से एक रास्ता धर्मशाला के लिए भी अलग होता है और इस वक्त हम बाईपास पे हैं जो कि सीधा जम्मू और पठानकोट को जोड़ती है रोड। आप मंदिर देख रहे हैं, ये हाथी वाला मंदिर है। जब हम छोटे होते थे तो हम बस पे इस मंदिर को देखते हुए जाते थे और अब खुद ड्राइव करते हुए जा रहे हैं इस मंदिर को क्रॉस करते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, जब हम पठानकोट से डमटाल की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो पहाड़ियाँ आती हैं तो उन पहाड़ियों में एक शिवजी का मंदिर भी है जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है। हर महादेव। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जर्नी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।